दोस्तों आज फिर मैं आपको एक नया ध्यान लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको हर एक ध्यान नया लेके आऊँगा। दोस्तों कुछ ध्यान हमारे ऐसे हैं जो कि मार्केट से हमारे लिए माल बहुत महंगा मिलता है और बजट की वजह से हम लोग नहीं घर पे कर पाते हैं, क्योंकि उसका बजट बहुत होता है और हमें कम पैसों में टेक्चर कराना होता है और बढ़िया भी हो और कम पैसे भी लगे उसमें। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको एक टेक्चर लेके आया हूँ। दोस्तों ये भी हमारा एक जैके बाल पुट्टी का है। आप जैके बाल पुट्टी में बना सकते हो, बिरला वायर में बना सकते हो और एशियन बाल में बना सकते हो, वीनस में बना सकते हो, मतलब पुट्टी आपकी कोई सी भी सही उसके अंदर बना सकते हो आप ये डिज़ाइन। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके सामने एक ग्रीन येलो, एक ग्रीन स्टैंडर, एक येलो स्टैंडर डाली है। दोस्तों उससे मैंने ये पूरा कलर बनाया है। दोस्तों जैसे आपको दिख ही रहा है कलर किस तरह का बना, तो दोस्तों ग्रीन कलर बना हमारा ये। तो दोस्तों हमने बेस कोट जो हमारा है ये मतलब पुट्टी का, उसको हमने ही ग्रीन ही बना दिया है। तो दोस्तों आज तो मैं तुम्हारे लिए डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ और बना के भी डाल रहा हूँ। दोस्तों तो इसको सिर्फ टोटल ग्रीन ग्रीन का ही बना के डाल रहा हूँ मैं आज, और दोस्तों ग्रीन ही रखूँगा इसको। लेकिन जो हमारी कल सुबह जो वीडियो आएगी, जो बना जो हमारी 8 तारीख की सुबह में आएगी दोस्तों, उसमें मैं आपको दो कलर दिखाऊंगा। और जो आपने हमारी जो 7 तारीख की सुबह में आ रही है यानी कल, दोस्तों कल, अब आपको मैं तारीख भी और टाइम भी बता देता हूँ। दोस्तों कल सुबह तारीख है 7/3/2019 और परसों 8 तारीख है 3/3/2019। ये फिलहाल में ये वाली वीडियो जो आ रही है कल आ रही है, जो बिना कलर की है, सिर्फ इसमें हमने बेस कोट में कलर डाला है। दोस्तों इस टेक्सचर के अंदर हम दो कलर करेंगे, तो दो कलर दोस्तों हमारी 8 तारीख की सुबह में बन के आएंगे और दो कलर हम 8 तारीख की सुबह में डालेंगे। दोस्तों जब तक इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा, नए नए डिजाइन, नए नए टेक्सचर आपको बताता रहूँगा। दोस्तों पुट्टी के टेक्सचर बहुत आसान है बनाने, बहुत ही ईजी हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, बहुत ही आसान है। आप सोचोगे ये बहुत ज़्यादा कठिन है, हम पे नहीं बनेगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े आराम से घर पे बैठ के बना सकते हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारे से नहीं आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर अपना दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा और टाइटल में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, वो नंबर मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो आप मेरे पास। दोस्तों आप कॉल करोगे, मैं फ़ोन उठाऊंगा आपका और आपसे बात करूंगा, आपको सारी बात समझाऊंगा किस तरह से करना है, किस तरह से होगा। और दोस्तों इसे इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब अंदर या बाहर दोनों साइटों में स्ट्रक्चर को हम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अंदर कर रहे हो तो दोस्तों इसके अंदर, अगर बाहर करते अंदर करते हो तो दोस्तों प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर करते हो दोस्तों तो दोस्तों कलर कभी पुट्टी के अंदर नहीं डालना है आपने। अगर बाहर की सेट में अगर आप कर रहे हो तो दोस्तों कलर पुट्टी के अंदर नहीं डालना है, और अगर अंदर की सेट में कर रहे हो तो बेशक आप कलर डाल सकते हो, क्योंकि बाहर की सेट में अगर आप कलर डालोगे तो वो आपका कलर दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, क्योंकि आप इसको प्राइमर लगाओगे तो वो छुप जाएगा, और प्राइमर लगने के बाद वो छुप जाएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देने का। दूसरी बात एक और दोस्तों, वो बारिश के कारण आपका कलर फीका पड़ जाएगा। आप कितना भी बेस कोट लगा देना, टॉप कोट लगाना, फिर भी इसका कलर फीका पड़ सकता है। तो दोस्तों बाहर कलर ना डालें, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। बाहर सिर्फ वाइट ही करें, वाइट करने के बाद आप जो मर्जी कलर दे देना उसमें, वो आपका मन है, एक कलर दो, दो दो, तीन दो, चार दो, क्योंकि डिजाइन निकालने के बाद इसमें प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और शुरू से एंड तक जरूर देखेना, और हो सकता है आपको और भी वीडियो अच्छी अच्छी मैं लेके आऊँगा। तो तक के लिए दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों अगर पुराने हो तो दोस्तों लाइक तो हमारा बनता ही है, लाइक और कमेंट। दोस्तों अगर कोई कमी इसमें दिखाई देती है तो दोस्तों मेरे पास आप कॉल भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सारा सब कुछ समझा ही दिया है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो जो करना है वो मैंने आपको बताया जाएगा, किस तरह से मार्क कलर मिलाना है, किस तरह से करना। दोस्तों एक बात कहनी मैं भूल गया,
वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर ज़्यादा आपको चमक चाहिए तो दोस्तों इसमें टचवुड वार्निश का यूज कर सकते हैं आप, वो भी कब कर सकते हैं, टचवुड या शोकेस। और टचवुड और शोकेस आप जानते हो वो लकड़ के लिए होता है, स्पेशल पॉलिश के लिए होता है। जब पॉलिश हमारी फाइनल हो जाती है, जो स्पिरिट पॉलिश करते हैं, तो हम बाद में उसका हाथ लगाते हैं चमक के लिए। तो दोस्तों उसको भी हम इस दीवार पे फाइनल हाथ से मार सकते, फाइनल जब कोट हो जाता है आपका टेक्सचर का और आपको लगता है कि इसमें हमारी चमक कम आ रही है, तो दोस्तों उसके हम एक कोट या फिर दो कोट लगा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल में तो एक ही कोट से काम चल जाता है, अगर आपको लगता है कि दो एक कोट से काम नहीं चल रहा है तो दोस्तों दो कोट आराम से लगा सकते हो, 3 इंची वाले ब्रश से भी लगा सकते हो, 4 इंची वाले ब्रश से भी लगा सकते हो। और दोस्तों फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मेरे को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन में और आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो उस नंबर पे आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और दोस्तों और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में करके, कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी ये नंबर है। दोस्तों मैं बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, आप मेरे को व्हाट्सएप से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने बनाया है ये जैकी वाल पुट्टी में बनाया है, आप इसमें बिरला व्हाइट में बना सकते हो, एशियन पुट्टी में बना सकते हो। और दोस्तों इसमें मैंने दो कलर का यूज किया है, दो कलर कौन कौन से यूज करे हैं, एक ग्रीन एक येलो ऑक्साइड। तो दोस्तों ये डिजाइन आपको इन्फिनिटेक्स जो हमारा माल होता है उसके अंदर बनता है, लेकिन ये डिजाइन मैंने आपके लिए इसमें बना के दिया पुट्टी के अंदर। तो दोस्तों पुट्टी के अंदर बना सकते हो, ये चटकता बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और घर के अंदर लगाओ या बाहर लगाओ, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों जगह बहुत अच्छा चलता है। तो दोस्तों ग्रीन और येलो ऑक्साइड यूज करती थी, मैंने कोई दूसरी इंटरनेट में यूज नहीं करी। दोस्तों आपको ये किस तरह का डिजाइन लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों देख लो, आप खुद देख लेना इसको कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। दोस्तों ये जो हमारा ये डिजाइन बनता है ना, ये एशियन पेंट में बनता है, जो हमारा इन्फोटेक्स एशियन है, इन्फोटेक्स की एक बाल्टी आती है वो काफ़ी महंगा मिलता है। दोस्तों ये बहुत हमारा सस्ता पड़ता है डिजाइन, सस्ते पैसों में अच्छा काम, माल और डिजाइन वही, माल अलग, दोस्तों चलेगा बराबर, ये नहीं है कि कम चलेगा, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और फ़ोन करके भी बता दें, फ़ोन नंबर भी मेरा दे रखा है दोस्तों, किस तरह का ये डिजाइन लगा। क्रॉस रोड डिजाइन का नाम क्रॉस रोड है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए दोस्तों आप मेरी वीडियो अंत तक देखिए।